कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जैन, माताजी श्रीमती क्रांतिबाई जैन, सुपुत्र श्री रानू जैन राजश्री वाले, धर्मपत्नी श्रीमती सपना जैन, पुत्र आगम जैन, सोहम जैन, परिवार सदस्य राजी, वासु, खुशी, तनु, अनश, मरखेड़ा परिवार बेगमगंज। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर 2022 के मंगल अवसर पर बेगमगंज जिला रायसेन मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए जिला जैन युवा सम्मेलन एवं विशाल अहिंसा रैली कार्यक्रम के विशेष अंश। इस कार्यक्रम को पावन सानिध्य मिला निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज एवं अयलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का। इस हेतु प्रातः की सुमंगल बेला में पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम स्थल पर मंगल पदार्पण हुआ। मंदिर जी में भगवान का मंगल अभिषेक और पावन शांति धारा कर सर्वप्रथम कार्यक्रम को शुभता प्रदान की गई। चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम श्रद्धा मंगलम शाव मंगलम केली पन्नतोदम मंगलम चत्तारी लोगोत्मा अरंता लोगोत्मा श्रद्धा लोगोत्मा शाव लोगोत्मा केली पन्नतोदम लोगोत्मा चत्तारी शरण पवजामी अरंते शरण पवजामी श्रद्धे शरण पवजामी शाव शरण पवजामी केली पन्नतम दम शरण पवजामी ओम रीम आदि मूल मंत्र नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नमो आराध्य भगवते श्रीमते श्रीमद्पास्ति शंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयं सिद्धा बुद्धा परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्त अनंत संसार चक्रवर्ती मर विनाय अगाधि गण विनाश ने अवाद अस्माकम छिंदी छिंदी मृत्युम अधिकामम रतिकामम क्रोधम पापम भैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्विघ्नम सर्वराज भयम सर्वचोर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वात्मक भयम सर्वपरमंत्रम। अति सुंदर मन भावन है परिसर मंदिर बड़ा मनहारी है अति सुंदर मन भावन है परिसर मंदिर बड़ा मनहारी है मनोज प्राचीन प्रभु की मूर्ति अतिशयकारी है मन में श्रद्धा लिए जो भी आ गया सदा पूर्ण हुए उसके काम है परम शांतिदायक यह तीर्थ रोग शोक भय दूर करे परम शांतिदायक यह तीर्थ रोग शोक भय दूर करे
पूजन अर्चन यहाँ करे जो उसके सकल संताप हरे। यहाँ मन को मिले आराम है, दुख चिंता का नहीं कोई काम है। इसी के साथ मंदिर जी में भगवान का मंगल पूजन विधान आदि किया गया। अगले चरण में पूज्य साधु वृंदों ने मंदिर जी में भगवान के मंगल दर्शन किए और आहार विधि धारण कर आहार चर्या के लिए निकल गए। इसी क्रम में आगे पूज्य साधुगणों की आहारचर्या संपन्न हुई। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने कार्यक्रम स्थल की ओर कूच किया, जहां विराजमान होकर पूज्य गुरुदेव ने अपनी ओजस्वी वाणी से सभा को संबोधित किया और फिर सुनियोजित तरीके से विशाल अहिंसा रैली का भव्य आयोजन किया गया। चारों दिशाओं में जिन धर्म की मंगल ध्वजाएं फहराने लगी और चहुं ओर शाश्वत जैन की मंगल जय जयकार गूंज उठी। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। इस मंत्र को पढ़ने सुनने से जीवन में मंगल आए। इस महामंत्र का जाप करो ये भव से पार लगाए। साहूनम ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानम चै सवे सिम परमम हवई मंगलम। गुणों का स्वामी इस महामंत्र का कोई न सानी। 108 गुणों का स्वामी इस महामंत्र का कोई न सानी। नागों के दुख दूर भगाए यही अनादि मंत्र कहलाए। यही अनादि मंत्र कहलाए। साहूनम ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानम चै सवे सिम परमम हवई मंगलम।
दुख को दूर भगावे, जन्म जरा मृत दोष मिटावे। जिसने ध्याया उसने पाया, गुरुओं ने ये सार बताया, बताया। नमो अरिहंतारं, नमो शीर्षेदारं, नमो आयरियारं, नमो वजायारं, नमो लोए सवसाहुनं। ऐसो इस तरह अनेक मार्गों से होते हुए विशाल अहिंसा रैली ने अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए भगवान महावीर के शाश्वत संदेश अहिंसा को सर्वत्र प्रचारित किया। तत्पश्चात पुनः कार्यक्रम स्थल आकर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पूज्य साधु गणों के यथास्थान विराजमान होने के बाद श्रेष्ठी गणों के संबोधन शुरू हुए। मुनिवर श्री निष्कंप सागर जी महाराज की, एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज की। इसी बीच कार्यक्रम में उपस्थित एक युवा द्वारा मंगलमय भजन प्रस्तुति दी गई। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा, अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु में जाऊंगा, अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। और मैं आमंत्रित करूंगा प्रहलाद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आदित्य जी, चंद्र कुमार जी, टेकचंद जी, संजय जी, अक्षय जी, सराफ, पुष्पेंद्र जी और जिला अध्यक्ष नवयुवक मंडल अंकित जी। मेरा आग्रह कृपया आप आए और आकर दीप प्रज्वलन करें। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी गणों के कर कमलों द्वारा मंगल दीप प्रज्वलन किया गया और इसी के साथ कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ गया। गुरु का नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले, गुरु का नाम अति, गुरुवै की कृपा हो, गुरुवै की कृपा हम पे छा जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, हमें धूल जो मिल जाए चरणों की रज पा गए तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए। सागर की सरजमी से हमारे बीच उपस्थित सफी खान को मैं निमंत्रित कर रहा हूँ, जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें सफी खान जी को। धीरे धीरे सम्मान समारोह तक पहुँचते हुए ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ जाता है।
इसी बीच धर्म के भेद से ऊपर उठते हुए कार्यक्रम में शामिल हुए मेहमान भाई शफीक खान जी ने अपने मार्मिक संबोधन से सभा को भाव विभोर कर दिया। ना मैं अमीर हूँ, ना मैं रईस हूँ, ना मैं बादशाह हूँ, ना वजीर हूँ। गुरुवर का इश्क मेरी सल्तनत है और मैं उस सल्तनत का एक छोटा सा फकीर हूँ। लेकिन मेरी हैसियत, मेरी औकात इतनी नहीं है। मैं बहुत साधारण सा इंसान हूँ। जीवन में पहले संत का जो मैंने दर्शन किया, आप जानते हैं वो कौन है? उसके पहले मैंने कभी किसी संत को देखा तक नहीं था। मैं जनहित की लड़ाई लड़ने वाला एक आक्रोशित युवा हुआ करता था, लेकिन जीवन में पहली बार जिस संत से मेरा सानिध्य हुआ वो थे पूज्य मुनि श्री समता सागर महाराज जी, प्रमाण सागर महाराज जी, एलक सागर, एलक श्री निश्चय सागर महाराज जी। और वो दिन था कि आज का दिन है, गुरुवर का जो आशीष, इन चरणों से जो मेरी यात्रा शुरू हुई वो गुरुवर के श्री चरणों तक पहुंची। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि गुरुवर मेरे लिए पिता तुल्य हैं। मैं उन्हें जब भी संबोधित करता हूं पिताजी कहकर करता हूं, और वो मुस्कुराकर इस तरह हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। महाराज श्री आज हमारे बीच में हर्ष का विषय ये है कि एक संक्षिप्त सूचना पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से भी हमारे इतने युवा साथियों भाई आए हैं महाराज, जमुनिया से, सोडरपुर से, बीरपुर से, सुल्तानगंज से, गोरखपुर से, मंडीदीप से, अब्दुल्लागंज से, देवरी से, महाराज कुछ जगह के तो मुझे नाम भी याद नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा सारे युवा साथियों से, अगर किन्हीं के नाम छूट गए हों, आप मुझे यदि अपना प्रतिनिधि मानते हैं, मैं आप सबकी तरफ से पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल निवेदित करूंगा। आप सबके लिए पूज्य श्री का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, ऐसी मेरी भावना है। इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और एक एक कर श्रेष्ठ गणों द्वारा पूज्य गुरु चरणों में नमन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया गया। आयोजक मंडल के प्रमुख द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया और कार्यक्रम समापन पर पूज्य गुरुदेव ने अपने आशीर्वचनों से सभा को कृतार्थ कर धन्य किया। इस संसार में जिसने जन्म लिया है वे सभी एक दूसरे के साधर्मी हैं। जब हम संसार की अपेक्षा और जीव की अपेक्षा लगाते हैं, चाहे वो विदेश में जिसने जन्म लिया हो, चाहे देश में जन्म लिया हो, ये सभी हमारे लिए साधर्मी हैं। चाहे एक इंद्री हो, चाहे दो इंद्री हो, चाहे त्रिइंद्री हो, चाहे चौरिंद्री हो, चाहे पंचेंद्री हो, चाहे सैनी हो, चाहे असंगी हो, ये सभी हमारे लिए साधर्मी हैं। लेकिन जब हम मनुष्य की अपेक्षा बात करते हैं तो इस संसार में जितने मनुष्य हैं वो हमारे साधर्मी हैं। जब मनुष्य के बाद अगर जब हम धर्म की अपेक्षा बात करते हैं तो जितने हमारे जैन श्रावक हैं वो सभी कौन हैं? साधर्मी हैं। आप सभी लोग आपस में साधर्मी हैं, और जहां हम संघ में बैठे हुए ऊपर मुनि महाराज हैं, हम लोग क्या हैं? साधर्मी हैं। जब हम वेद और प्रवेद करते हैं तो साधर्मी की अन्य बहुत सारी परिभाषाएं आती है, तो इसलिए कहते हैं आप सभी लोग साधर्मी हैं। जब जैन की अपेक्षा लगाते हैं तो जैन यानी जैन, जैन ऑलवेज जैन। अब जिन जैन की अपेक्षा लगाते हैं तो हम साधर्मी हैं, और जब युवाओं की अपेक्षा लगाते हैं तो कौन है? हम साधर्मी। आज इस पवित्र अहिंसा दिवस के पावन प्रसंग पर यहाँ पर युवा सम्मेलन का एक कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि मन में बहुत दिनों से विचार था, लेकिन अल्प समय में, कम समय में इसका हमारे बहुत जल्दी जल्दी करके, फिर भी आप लोग बहुत बड़ी संख्या में अल्प समय में सूचित होकर आप यहाँ पर पधारे, ये बहुत ही प्रशंसनीय और अच्छी बात है। कहते हैं लंबी यात्रा का शुभारंभ एक कदम से होता है। हमको उस कदम को बढ़ाना पड़ेगी तो हमारी एक यात्रा, एक लंबी यात्रा होगी। कहते हैं
अकेला चलना है तो तेज चलिए और लंबा चलना है तो औरों के साथ चलिए। अभी बहुत बड़े बड़े वक्ता लोग बोल रहे थे, शफीक खान बोल रहे थे, अभी महाराज जी बोल रहे थे। तो देखो, भीड़ से कुछ नहीं होता, भीड़ तो जंगल में सियारों की भी होती है। सुन रहे हो? हाओ तो कहो। भीड़ तो जंगल में सियारों की भी होती है और उस भीड़ को सिंह की एक गर्जना तितर बितर कर देती है। मुझे भीड़ में सियार नहीं, शेर चाहिए। क्या चाहिए? मुझे भीड़ में कुंडलपुर वाले जवान चाहिए। कौन चाहिए? कुंडलपुर वाले जवान, वो चाहिए। पंचम काल के अंत अंत तक जैन धर्म होगा और किसी की औकात नहीं जो हमारे धर्म का पतन कर सके। ये आगम की वाणी है, महासागर की नहीं, ये आगम की वाणी है। पंचम काल के अंत अंत तक श्रावक रहेंगे और मुनि रहेगा, लेकिन वो श्रावक नहीं चाहिए सियार जैसा मुझे, मुझे सिंह जैसा श्रावक चाहिए, जिसकी गर्जना, जिसकी चर्या ऐसी हो कि लोग देखकर कहेंगे जैन है। प्रभावना भीड़ से नहीं, सैद्धांतिक मतों से होती है। हमारा आचरण कुलाचार से प्रभावना करता है, भीड़ से नहीं। आप कहीं जा रहे हो यात्रा करने के लिए और शाम को अगर आपने भोजन का डब्बा खोल लिया और पूड़ी खाई और लोग को कहना चाहिए जैन है, क्या है ये? जैन है। शादी पार्टी में गए, रात को नहीं खाया, लोग बोले ये जैन है। ये सम्मेलन भीड़ जुटाने से नहीं होता है। हमारा कुलाचार इतना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि धर्म की प्रभावना भीड़ से नहीं, कुलाचार से होती है। और आज बड़े खेद का विषय है, कुलाचार नष्ट होता जा रहा है। और उस कुलाचार को नष्ट किसने किया है? आप युवाओं ने किया है। आपने जाकर के दूसरों के यहां रात्रि को भोजन किया, स्वयं रात्रि में ढाबा में खाने गए, होटलों में खाने गए, इसलिए कुलाचार का हनन करने वाला भी जैन है। मैंने एक बार कहा था, जैनियों के जैन धर्म का पतन करने की किसी में ताकत नहीं है। जैनियों का जैन धर्म पतन कब होगा? जब श्रावक अपने कुलाचार से गिर जाएगा। जैन धर्म का पतन जैन करेगा। कौन करेगा? कुलाचार का निरादर करके, उसकी अवहेलना करके तुम समाज में रहोगे तो समाज में धर्म का पतन होता चला जाएगा। अगर तुम वास्तव में जैन श्रावक हो, युवा हो, तो भीड़ इकट्ठा करो मंदिर में अभिषेक के समय। कहां होनी चाहिए? एक घर का बच्चा नहीं बचना चाहिए समाज में जो अभिषेक के समय उपस्थित ना हो। जिला रायसेन के जैन युवाओं का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित है और वह भी सारी दुनिया में प्रसिद्ध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अहिंसा दिवस के दिन 2 अक्टूबर और 2 अहिंसा प्रेमियों का जन्मदिन, एक तरफ गांधी जी, एक तरफ शास्त्री जी, दोनों के जन्म दिवस में गांधी के विशेष अहिंसा के योगदान को लेकर के सारी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस घोषित किया है। और यह अहिंसा की विरासत गांधी जी को भारतीय संस्कारों से मिली। गांधी जी जैन दर्शन से बहुत प्रभावित थे, परिणामों से, भावों से, और उनकी मां को जैन समुदाय का संस्कार मिला होने के कारण वो भी जैन ही थे,
बानियां लिखते थे, गुजराती थे। आज आप सभी सकल दिगंबर जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था रायसेन जिले की पंचायत, यहाँ की बेगमगंज की पंचायत चातुर्मास कमेटी ने आप सभी को आमंत्रित किया। चारों महाराज जियों का आशीर्वाद इस कार्य के लिए रहा और हम सबके ऊपर अपने गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद तो सदैव है। विगत एक बरस अथवा लगभग डेढ़ बरस से दो बरस से विदिशा और रायसेन जिले को ही कवर कर रहा हूँ। पिछला चातुर्मास सिलवानी में हुआ, उसके पहले रायसेन में पंचकल्याणक कराया, गढ़ी में भी पंचकल्याणक कराया और आसपास के ग्रामों में बमोरी आदि में समय दिया। इस तरह से लगभग रायसेन जिले का बहुभाग कवर किया है। बरेली वाले कहेंगे हमें क्यों छोड़ रहे, तो बरेली को पहले कवर कर लिया। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि अहिंसा के पुजारी जिनको कहा जाता है, ऐसे गांधी जी का जन्म दिवस हुआ था और उसी दिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका भी जन्म दिवस आता है। चूंकि गांधी जी जैन धर्म के सिद्धांतों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते थे और उन्हीं सिद्धांतों को वो पालन करते थे, इसलिए पूरे भारत देश में उनको अहिंसा का पुजारी के नाम से जाना जाता है। देश का उत्थान, धर्म का उत्थान और राष्ट्र का उत्थान अहिंसा के माध्यम से ही होता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि जो अहिंसा का पुजारी है, जो अहिंसा की राहों पर चलता है, वो ही एक न एक दिन उस अहिंसा के शिखर पर पहुंचता है। वैसे तो जैन दर्शन में जन्म जयंती का कोई स्थान नहीं, फिर भी हम भावनावशात पूज्य गुरुदेव के ये अवतरण दिवस को मनाते तो नहीं, लेकिन इन्हीं भावनाओं के साथ में उनको याद करते हैं। हे गुरुदेव, अगर आपका जन्म नहीं होता तो हम जैसे जो अनादिकाल से इस संसार में भटक रहे थे, उनका कल्याण कैसे होता। इसलिए उनके जन्म कल्याणक में हम चाहते हैं कि जन्म जयंती उनके जन्म कल्याणक के रूप में परिवर्तित हो। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितनी भव्य रही विशाल अहिंसा रैली। इसी के साथ हमारी विशेष प्रस्तुति में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जैन, माताजी श्रीमती क्रांतिबाई जैन, सुपुत्र श्री रानू जैन राजश्री वाले, धर्मपत्नी श्रीमती सपना जैन, पुत्र आगम जैन, सोहम जैन, परिवार सदस्य राजी, वासु, खुशी, तनु, अनश, मरखेड़ा परिवार बेगमगंज।